आज हम पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। साइड पे वो जो रोड्स बनी हुई नजर आ रही होंगी आपको सामने, वो सारे का सारा जो ब्लॉक है वो आपका जे ब्लॉक है जी। स्ट्रीट लाइट्स सारी इंस्टॉल हो चुकी हुई हैं, जितना भी काम हो चुका हुआ है ये सारे का सारा ओवरसीज ब्लॉक के अंदर हो चुका है जी। अब गिनती के चंद दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह अल-अज़ीज़ ये उन्हें पोजेशन देने जा रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ताजर इंटरनेशनल से मलिक फहीम अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों आज हम पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये वो राउंड अबाउट है जो कि डिफरेंशिएट करता है आपके ए बी ब्लॉक को, और अभी मेरे सामने गेट नंबर 2 है जो कि मलोट रोड पर वाकया है, और इस गेट के बिल्कुल अपोजिट आपको फील भी नहीं होगा डिस्टेंस, बिल्कुल अपोजिट जो गेट नंबर 3 है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका हुआ है, कंप्लीट हो चुका हुआ है, जो कि डेडिकेटेड है ओवरसीज ब्लॉक और जे ब्लॉक के लिए फिल वक्त इन मुस्तकबिल इन फ्यूचर इंशाल्लाह अल-अज़ीज़। अब जैसे कि बाउंड्री वॉल का निज़ाम देख सकते हैं, ये पहले नहीं था, अभी माशाल्लाह ये बाउंड्री वॉल भी जो है प्रॉपर तैयार की जा रही है प्रॉपर सिक्योरिटी का निज़ाम को बरकरार रखने की खातिर। सामने आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा निज़ाम है। अब अगर आप इस वीडियो के लेफ्ट साइड पे वो जो रोड्स बनी हुई नज़र आ रही होंगी आपको सामने, वो सारे का सारा जो ब्लॉक है वो आपका जे ब्लॉक है जी। और जो मेरी राइट साइड के ऊपर अभी आपको सारी कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी राउंड अबाउट से, वो आपका सारे का सारा ओवरसीज ब्लॉक है जी। जैसा कि आप मेरी अभी देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर, ये जो स्ट्रीट लाइट्स सारी इंस्टॉल हो चुकी हुई हैं, जितना भी काम हो चुका हुआ है ये सारे का सारा ओवरसीज ब्लॉक के अंदर हो चुका है जी। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं जी जेब, अभी इस राउंड अबाउट के अगर आप लेफ्ट हो जाएंगे तो आप एंटर हो जाएंगे जे ब्लॉक में, और अगर आप राइट हो जाएंगे तो आप एंटर हो जाएंगे ओवरसीज ब्लॉक के लिए। अब हम पहले जे ब्लॉक का विजिट करते हैं जी, फिर उसके बाद हम ओवरसीज ब्लॉक का भी विजिट करेंगे जी। हम पहले यहाँ से जाते हैं दोस्तों, यहाँ से आपको राउंड अबाउट से आगे तक दिखाते हैं कितनी डेवलपमेंट देख सकते हैं कि जैसे कि मेन बुलेवार्ड जो है वो कारपेटेड हो चुकी हुई है, प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हुई हैं, ये सारा जे ब्लॉक का। जे ब्लॉक को इंशाल्लाह विद इन अ मंथ और टू मंथ, मतलब बहुत नज़दीक अब गिनती के चंद दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये उन्हें पोजेशन देने जा रहे हैं। मैं आपको एक पर्सनली एक बात बताऊं, इस टाइम पे एज कंपैरिजन टू जे ब्लॉक या सॉरी एच ब्लॉक या ई ब्लॉक में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अगर अभी आपको जे ब्लॉक के अंदर और स्पेशली ओवरसीज ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि एज कंपैरिजन टू एच ब्लॉक अभी रेट्स यहाँ पर मुनासिब हैं और ये नियर टू पोजेशन, नियर टू मतलब डिलीवरी की तरफ ये ब्लॉक जा चुके हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे इस टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे, आपको लोकेशन का आइडिया भी हो गया है सारा कुछ, मतलब हाइटेड लोकेशन भी इसकी भी है माशाल्लाह, और प्रॉपर जैसा कि आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं कि ब्लॉक का फुटपाथ का काम जो है वो चल रहा है प्रॉपर, तो ये जे ब्लॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करें या ओवरसीज ब्लॉक के अंदर स्पेशली इन्वेस्ट करें, तो आपको इतना पता है कि यार हमारा 2-4-6 महीने का इंतज़ार है मैक्सिमम, लेकिन ये है कि हमें एक अच्छा खासा मार्जिन बच जाएगा, हमारी जो इनिशियल डिपॉजिट है वो बहुत कम देना पड़ेगा एज कंपेरिजन टू एच ब्लॉक जो कि अब इतना एक्सपेंसिव हो चुका है, या ई ब्लॉक या डी ब्लॉक। तो उस हवाले से अगर आप लोग रीसेल में आएँ या फ्रेश बुकिंग्स में आप आ जाएँ, तो जे ब्लॉक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 25% डाउन पेमेंट के साथ ही आप पोजीशन भी हासिल कर सकते हैं, प्लॉट नंबर भी अलॉट आपको हो सकता है, और ओवरसीज ब्लॉक के अंदर आपको माशाल्लाह फ्रेश बुकिंग्स अभी अवेलेबल हैं, आप उसमें भी माशाल्लाह बुकिंग्स करवा सकते हैं, आपको आइडिया है कि आपका जो ब्लॉक है वो प्रॉपर लोकेशन क्लियर है। जैसा कि आप मेरी लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं कि बुलडोज़र मशीनरी वगैरह लगी हुई है, तो कुछ रास्ते बंद भी हैं, कुछ इन्होंने ओपन किए हुए हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आपको जे ब्लॉक की प्रॉपर जो ड्रोन फुटेज है ओवरसीज ब्लॉक और जे ब्लॉक वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि वो रोड नेटवर्क सारा, ये सारा का सारा जो रोड नेटवर्क है ये आपका जे ब्लॉक के अंदर रेडी हो रहा है जी। ये प्लांटर्स बहुत अच्छे से इन्होंने लगा दिए हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स का काम हो चुका हुआ है, ठीक है, मशीनरियाँ लगी हुई हैं, काम चल रहा है यहाँ पर, डेवलपमेंट हो रही है, और ये जे ब्लॉक जो है वो बहुत ज़्यादा करीब है ओवरसीज ब्लॉक और जे ब्लॉक जो है वो आपका बहरी एनक्लेव से भी, और इसको जो व्यू मिलता है वो मरी हिल्स का व्यू मिलता है जी। और मैं हैरान हो रहा हूँ कि माशाल्लाह बहुत फास्ट पेस के ऊपर इन लोगों ने जो है प्लांटर्स, सीवरेज का सिस्टम हो, लाइटिंग का सिस्टम हो, कारपेटिंग हो, ये प्रॉपर जो है काम कर रहे हैं, मतलब यकीनी तौर पे 6 महीने के बाद इस ब्लॉक की भी एक ऐसी सूरत निकल आएगी कि लगेगा ही नहीं कि ये न्यूली डेवलप है, जैसे एफ ब्लॉक या आप ई ब्लॉक देख रहे हैं
मतलब अगर आप ए बी ब्लॉक देख रहे हैं तो वहां पे चले आबादी आ गई है, लेकिन ये एफ ब्लॉक और ई ब्लॉक वाली फीलिंग आपको देखने को मिलेगी। ये अब हम एंटर हो गए दोस्तों ओवरसीज ब्लॉक में। ओवरसीज ब्लॉक में आपके जो प्रॉपर जो स्ट्रीट बोर्ड्स हैं वो लगना स्टार्ट हो चुके हैं। आप सामने देख सकते हैं कि ये मेन बोलीवार्ड पे काम जो है वो चल रहा है, स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो लग रही हैं। और मुझे ये लगता है, ये मेरी अपनी मतलब एक प्रेडिक्शन है कि इन फ्यूचर आप देख लीजिएगा ओवरसीज ब्लॉक के थ्रू से आपका डाउनटाउन कमर्शियल कोई कनेक्टिविटी इनकी आपस में लिंक जो है वो बन जाएगा, और उस साइड से भी मतलब ये सोसाइटी जो है आपस में कवर अप हो जाएगी। जैसे कि अब वो सोसाइटी पूरी मतलब वो और ये जिस तरह के अब अटैच हो चुके हैं, मजीद डाउनटाउन से भी डायरेक्टली एक्सेस इसको मिलेगी। ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है इंशाल्लाह, ये मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, लेकिन ऑफिशियली इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं है, ऑफिशियली इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ एज अ रियल्टर हमें भी इस चीज़ का आइडिया हो जाता है, एज अ इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हमें भी इस बात का अंदाजा है कि हम जिस प्रोजेक्ट के अंदर अभी बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के मुस्तकबिल में कहाँ से कनेक्टिविटी बनेगी और कहाँ से नहीं बनेगी। अब हम दोस्तों निकल रहे हैं ओवरसीज, और जे ब्लॉक का ये शॉर्ट सा विजिट था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जो भी दोस्त है बाप, मैं आपको एक फिर मशवरा दूंगा कि अगर आप लोग एच ब्लॉक या एफ ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वहाँ की निस्बत आप इन ब्लॉक के अंदर ओवरसीज के अंदर आपको बहुत कम रेट्स के ऊपर अभी चीज़ें मिल जाएंगी। आप यहाँ पे परचेजिंग करें, चंद महीनों का कुछ सब्र होगा लेकिन कम अज़ कम आपको चीज़ मिल जाएगी, और लोकेशन का इतना खास फ़र्क नहीं है, 2 मिनट या 3 मिनट की ड्राइव है, ठीक है। पैसे बचाएं और अच्छी इमारत जो है वो कंस्ट्रक्ट करें, अच्छा घर डिज़ाइन करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह लवान प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड के पैनल के नीचे आप प्रॉपर घरों की कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन की सर्विसेज भी जिम्मेदारी के साथ हासिल कर सकते हैं। तो अब हम दोबारा एंटर हो रहे हैं जी गेट नंबर 2 से, जो कि मलोट रोड के ऊपर है। ये अब मैं ओवरसीज़ के गेट नंबर 3 से निकला हूँ और ये गेट नंबर 2 में एंटर हो गया हूँ। तो मुझे आप खुद बता देंगे कि आपको भी महसूस हुआ, यकीनी तौर पर नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप प्रॉपर पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में डाउनटाउन कमर्शियल हो, किसी भी ब्लॉक की आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई प्लॉट परचेज करना चाह रहे हैं, अपार्टमेंट शॉप ऑफिस, तो आप उसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।